हम लोग कह रहे हैं कि जदयू और आरजेडी का अगर कोई भी एमपी एमएलए अगर जाएगा वोट मांगने तो हम लोग जूता का माला पहनाएंगे। देखिए देखिए अब इसमें आने वाला चुनाव में हम आप लोगों को बता देंगे कि हम लोग ग्रामीण चिकित्सक किसको जिताएंगे और किसको इस गद्दी पर लाएंगे। 2024 के चुनाव में यही सीन को दिखाएंगे। पर ग्रामीण चिकित्सक जो जुलूस लेकर गया गए प्रदर्शन के वो विधि विरुद्ध है और बिल्कुल अवैध है। अब इनकी मांगे हैं कि हमको सरकारी चिकित्सक का दर्जा दिया जाए, हमें बहुत सारा वेतन भत्ता दिया जाए। हम लोग सुभाषन के लिए बोल रहे हैं, एक साल का ट्रेनिंग परीक्षा दिए हैं, हम लोग अब शासन दिए हैं, कोरोना में हम लोग खड़ा रहे और हम ही लोग आज भगा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बिहार में हजारों ग्रामीण चिकित्सकों ने आज पटना में नीतीश कुमार के आवास के बाहर नीतीश कुमार का घेराव किया और जोरदार नारेबाजी की। चिकित्सकों का आरोप है कि सरकार ने ये कहा था, 2014 में ही सरकार ने ये ऐलान किया था कि ग्रामीण चिकित्सकों को स्वास्थ्य मित्र बनाया जाएगा और उनकी बहाली की जाएगी, उनको रेगुलर किया जाएगा, लेकिन 2016 में परीक्षा लेने के बाद भी सरकार ने अब तक उनके बारे में कुछ नहीं किया है। इसी बात को लेकर नाराज ग्रामीण चिकित्सकों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया, जम के नारेबाजी की और इस दौरान पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया है। लेकिन वहां पर क्या कुछ हुआ है, ग्रामीण चिकित्सक क्या कह रहे हैं, सबसे पहले आप ये सुनिए। क्या कुछ कह रहे हैं? हम लोग कह रहे हैं कि जदयू और आरजेडी का अगर कोई भी एमपी एमएलए अगर जाएगा वोट मांगने तो हम लोग जूता का माला पहनाएंगे इनको, इसलिए कि हम लोग को समयोजन नहीं कर रहे हैं। हम लोग को समयोजन नहीं कर रहे हैं इसलिए कि हम लोग को कहे थे, वादा किए थे कि मेरी सरकार बनेगी तो आप लोग चौबीस में आने वाला चुनाव में हम आप लोगों को बता देंगे कि हम लोग ग्रामीण चिकित्सक किसको जिताएंगे और किसको इस गद्दी पर लाएंगे। 2024 के चुनाव में यही सीन को दिखाएंगे। ग्रामीण चिकित्सक पर ग्रामीण चिकित्सक जो जुलूस लेकर गया गए प्रदर्शन के वो विधि विरुद्ध है और बिल्कुल अवैध है। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया, बिल्कुल लिया गया है और इन पर कानूनी कार्रवाई होगी। प्रतिबंधित क्षेत्र में घुस गए थे, लोग घुस गए थे तो इनकी गलती है और हम लोग अलर्ट थे इसलिए इनको आगे बढ़ने से रोक दिया और इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, FIR होगा। कितने लोगों की हिरासत में लिया गया है? हिरासत में करीब अभी तो हमने 10 आदमी को लिया है और एक बस को उधर से ले गए हैं। क्या मांगे थी इनकी? अब इनकी मांगे हैं कि हमको सरकारी चिकित्सक का दर्जा दिया जाए, हमें बहुत सारा वेतन भत्ता दिया जाए, ये इनकी मांगे थी। कोई डेलीगेशन मिलने नहीं गया इनका, चूँकि धरना प्रदर्शन और जुलूसी अवैध है, विधि विरुद्ध है, ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ आना ही नहीं है, ये सब एरिया में आना नहीं था उनको। धरना प्रदर्शन के लिए गर्दनी बाग है, वहाँ जाइए, DM कंट्रोल रूम से अनुमति लेके वहाँ बैठिए, अपनी मांग रखिए। ये तो बिल्कुल इन्होंने गलत किया है, कानून को तोड़ा है, विधि सम्मत इन पर कार्रवाई होगी।
डॉक्टर सर चिकित्सक के साथ जा रहे हैं ना हम लोग सुभाषन के लिए बोल रहे हैं, एक साल का ट्रेनिंग परीक्षा दिए हैं, हम लोग अब शासन दिए हैं, कोरोना में हम लोग खड़ा रहे और हम ही लोग को आज भगा रहे हैं, हम लोग अधिक कर रहे हैं तो चलिए। ग्रामीण चिकित्सकों का ये आरोप है कि सरकार ने लाखों शिक्षकों की बहाली कर ली और अनेक बहालियां निकाली जा रही हैं, सबकी सुनी जा रही है, लेकिन पिछले कई दिनों से कड़ाके की ठंड में गर्दनी बाग में ये लोग धरना पर बैठे हैं, लेकिन इनकी बात नहीं सुनी गई। आज उनका सब्र का बांध टूट गया, उन्होंने जोरदार नारेबाजी की, मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया और वहाँ पर जब हंगामा होने लगा तो पुलिस ने बल प्रयोग किया। अब आगे देखना होगा कि ग्रामीण चिकित्सकों के बारे में सरकार क्या कुछ फैसला लेती है। हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ, देखते रहे लाइव बिहार। नमस्कार। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।